हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस पे, जहां पे आप लोगों ने बच्चों पिछले क्लास में जहां भी आपने देखा था हमने आपको क्या पढ़ाया था, द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे। तो आज के क्लास में भी बच्चों हम लोग द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूले पर ही अभी डिस्कस करेंगे, और फिर जब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे तब हम वहां पे आपके साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रहे होंगे हमारे चैनल शुभम क्लासेस से। तो मैं एक बार आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, पेन ले लें, किताब कॉपी कलम जो भी आपके पास है उसको लेकर आप अच्छे से बैठें और हम लोग फिर से अपने उसी चैप्टर को शुरू करते हैं जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में बच्चों मैं एक बार आपको फटाक से रिकैप करा दूं कि द्विघात समीकरण क्या हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, और द्विघात समीकरण के मैंने पूरे चैप्टर को इन्हीं 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया था। एक बार जरा देखते हैं क्या क्या मैंने पढ़ाया था बच्चों। मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण क्या है, पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि द्विघात समीकरण क्या है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि द्विघात समीकरण क्या है, ये बताया था। फिर मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण की पहचान क्या है, ये भी बताया था। और इसी पहचान में बच्चों मैंने एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया था जिसको मैंने बोला था द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा बच्चों, तो इसमें आपको इतना डिस्कशन मैंने किया था और मुझे उम्मीद थी, मैंने भी देखा आप लोगों का कमेंट कि आप लोगों को बहुत समझ में आया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो पर बच्चों। तो आपको मैंने ये दो चीजें बता चुके हैं बच्चों, क्या कि द्विघात समीकरण क्या है और द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं और मानक समीकरण क्या होता है, इसका हम लोगों ने विस्तार से चर्चा पिछले द्विघात समीकरण के वीडियो में किया है। आज बच्चों जो मैं आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, वो पहला कॉन्सेप्ट है कि मूल या शून्यक क्या है बच्चों। मूल या शून्यक आपने पढ़ा होगा, मूल या शून्यक उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, मूलों की प्रकृति, और आज आपको हल करने की विधि के बारे में भी विस्तार से कुछ चर्चा करेंगे। जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूंगा बच्चों, तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग केवल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों, आज के वीडियो में मैं एक एक करके बताऊंगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज लगाने में बहुत मजा आएगा और काफी अच्छा लगेगा जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो आइए मैं आपको शुरू करता हूं बच्चों, थोड़ा सा मैं रिविजन कराते हुए आपको लेकर आता हूं। आइए बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण क्या है, जल्दी से देख लेंगे बच्चों। मैंने एक बार बताया था द्विघात समीकरण क्या होता है, तो मैंने बताया था कि कोई भी बहुपद ले लीजिए जिसकी घात 2 हो। तो आपने जैसे ले लिया 4x² + 4, आपने लिख दिया इज इक्वल टू 0, बस ये आपका द्विघात समीकरण है, इसके पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था बच्चों। फिर मानक समीकरण क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण में अगर आप उसको इस फॉर्म में लिख दें तो ये इसका क्या होता है, मानक समीकरण होता है। ये इसका क्या होता है बच्चों, मानक समीकरण, हम लोगों ने इस पे भी चर्चा किया था। और आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि मूल या शून्यक क्या है। शून्यक किसी भी द्विघात समीकरण का मूल या शून्यक क्या है बच्चों, हम इस पे चर्चा करेंगे। आइए मैं आपको समझाऊं, मूल और शून्यक बच्चों आप एक ही चीज समझें, दोनों का अर्थ एक ही है। मूल और शून्यक दोनों सेम होते हैं बच्चों, लेकिन कहीं कहीं पर हम मूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पर हम लोग शून्यक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में मूल और शून्यक दोनों सेम होते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि मूल या शून्यक हर समीकरण का होता है बच्चों, चाहे रैखिक समीकरण हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे त्रिघात समीकरण हो, सबके मूल और शून्यक ज्ञात करते हैं। लेकिन हम यहां पर किसके मूल या शून्यक निकालेंगे, द्विघात समीकरण के। हम किसके मूल और शून्यक निकालेंगे बच्चों, हम मूल और शून्यक निकालने जा रहे हैं किसके,
मूल या शून्य द्विघात समीकरण के लिए समझेंगे कि मूल और शून्य क्या होता है द्विघात समीकरण के लिए। तो अगर बच्चों मैं आपको चर्चा करूं तो मैं आपको समझाऊं कि आपके पास जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये एक समीकरण नहीं बच्चों, अभी फिलहाल ये बहुपद है, अभी ये क्या है, बहुपद है, मैं आपको बताता हूं, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक बहुपद है। अब क्या क्या रहा है कि मूल या शून्य क्या होता है, तो देखो बच्चों अगर आप यहां पे x की वैल्यू रखो, कोई ऐसी वैल्यू रखो जिससे इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मान जीरो हो जाए, तो उसको शून्य कहते हैं, उसी को मूल कहते हैं। जैसे इधर देखिएगा, मैं आपको दोबारा अच्छे से बताता हूं बच्चों, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर यानी ये मेरा बहुपद है जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो बच्चों मैं यहाँ यक्स का मान रखूंगा, यक्स का मान, जैसे मैंने बच्चों यहाँ एक्स का मान दो रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा बस, अभी मूल या शून्य की बात हो रही है, तो एक्स का मान अगर मैं दो रखूंगा बच्चों तो यहां भी मैं दो पुट करूंगा और यहां हो जाएगा दो का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस चार। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार, और चार में से चार को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। चार में से चार को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो क्या अर्थ निकला बच्चों कि इस बहुपद में, इस बहुपद में यहां पर बच्चों इस बहुपद में पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर में एक्स बराबर दो रखने पर, यानी यहां पर एक्स बराबर दो रखने पर इसका मान जीरो हो गया, अर्थात यक्स का जो मान दो है ये इसका शून्यक है। इस बहुपद का शून्यक कौन है बच्चों, दो। इसका बहुपद कौन है, इसका शून्यक कौन है बच्चों, दो। यही है शून्यक, इसी को मूल भी कहते हैं कि इस बहुपद का मूल क्या है बच्चों, दो। तो ये हो गया शून्यक या मूल, कि किसी भी बहुपद में अगर हम यक्स का मान रखते हैं और बहुपद को जब हम हल करते हैं और बहुपद का मान अगर शून्य के बराबर आ जाए तो वो उसका क्या कहलाता है बच्चों, वो उसका मूल या वो उसका शून्यक कहलाता है। और द्विघात समीकरण में इसका काफी इस्तेमाल करना है बच्चों हमें। आइए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, हम आगे चर्चा फिर करते हैं बच्चों, कुछ इसी को और समझाते हैं। आइए देखिए एक और शून्य को, मूल और शून्य को आपको समझाते हैं, देखिएगा। आप मूल या शून्य इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं इस पर बहुत ध्यान देकर समझा रहा हूं क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। आप जितना ध्यान यहां देंगे, जितने अच्छे से इसको समझे रहेंगे, फिर सवाल में उतना कम मेहनत करने पर आप ज्यादा सीख जाएंगे। हम यहाँ पे रूल डिस्कस कर रहे हैं, नियम को पढ़ रहे हैं, अभी सवाल नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी तो सवाल लगाएंगे, अभी तो केवल मैं आपको नियम बता रहा हूं। एक एक नियम में जब आपको अच्छे से समझा दूंगा तो सवाल लगाने में उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि आपको नियम पहले से ही पता होगा और केवल आपको उस नियम का प्रयोग आपको एक्सरसाइज में करना है। हम लोग अक्सर करते क्या है बच्चे, सीधा सवाल लेते हैं और सवाल लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें थोड़ी समस्या होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कौन सा नियम अप्लाई करना है, क्या नियम होता है क्या नहीं होता है, तो एक तरीके का जल्दबाजी हो जाती है सीधा एक्सरसाइज लगाना। पहले हम ध्यानपूर्वक उसके सारे नियम पढ़ेंगे, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसका हम यूज यानी प्रयोग करेंगे किसमें, अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। आ जाइए एक और सवाल लेते हैं बच्चों, देखिए कितना मजेदार है। जैसे एक पॉलिनोमियल या एक बहुपद ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब बच्चों मुझे इसका मूल या शून्यक चाहिए, मूल या शून्यक, तो मूल और शून्यक का क्या अर्थ होता है, मैंने आपको अभी बताया कि आप यहां यक्स का मान रखिए और यक्स का मान रखने पर इसको हल करिए, हल कीजिए, और हल करने पर यदि वो जीरो आ जाए या शून्य के बराबर आ जाए तो वो उसका शून्यक या मूल कहलाएगा, मैंने आपको यही समझाया। तो अगर मैं इसको हल करना चाहूं बच्चों, जैसे देखिए
मैं पहले एक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूं, एक एक करके लाइन बाय लाइन उस बार मैंने समझाया, एक बार और देखिए कितना अच्छा है। तो जैसे ही आपने इसका एक्स की वैल्यू 1 रखा तो यहां पर हो जाएगा ये बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस 9, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो जाएगा माइनस 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आया माइनस 8। यानी एक्स की वैल्यू 1 रखने पर हमारा आंसर आ गया माइनस 8, अर्थात यक्स इज इक्वल टू 1 इसका शून्यक नहीं है, इसका मूल नहीं है। मूल कब होता है बच्चों? जब ये 0 आता है, जब ये क्या आता है 0, इसका मान 0 आएगा तब ये क्या कहलाएगा, इसका मूल, इसका शून्यक। तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक बार आपने 1 रखा तो अब आप चाहो तो माइनस 1 रख के चेक करो, एक्स की वैल्यू माइनस 1 रख के चेक करेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों, अलग से करते हैं, आ जाइए। अब ना हम पुनः क्या करेंगे बच्चों, एक्स की वैल्यू माइनस 1 रख के चेक करेंगे कि क्या इसका शून्यक आएगा, क्या ये इसका मूल है। मैं आपको समझा रहा हूं मूल और शून्यक पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, सवाल अभी सवाल को दिमाग में मत रखिए, अभी केवल मूल और शून्यक को समझिए, जितना अच्छे से समझेंगे उतना मजा आएगा आपको। तो भाई अगर हम देखें इस बच्चों, तो हमारे पास जो बहुपद है इसमें मैंने यहां रख दिया माइनस 1 और यहां x का मान मैंने रख दिया माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इस बार x की वैल्यू माइनस 1 रखनी थी, और यहां फिर मैंने रख दिया 9, और मैंने जब माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये हो जाएगा माइनस 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 8, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 ग्रेटर है बड़ा है इसलिए इसका साइन लग जाएगा। तो दोबारा देखो आंसर माइनस 8 आया, अर्थात बच्चों एक्स माइनस 1 भी इसका शून्यक नहीं है, एक्स माइनस 1 भी इसका शून्यक नहीं है। तो शून्यक होगा कौन, तो हम इसी तरह चेक करते जाएंगे, कभी 2 रखते हैं, कभी 3 रखते हैं, कभी 4 रखते हैं, और जब हल करने पर 0 आएगा तो ही उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए आगे देखा जाए, अगर आगे मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों, अगर मैं इसको आगे आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो ये आपने तो देख लिया कि एक्स बराबर जब सर आपने 1 रखा और माइनस 1 रखा तो ये इसका शून्यक नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, अर्थात जब हम लोगों ने x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 रखा तो ये इसका न तो मूल है न तो शून्यक है। क्लियर बच्चों? अब किसकी बारी आ गई बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सिंपल है, अगर इसी तरह मैं 2 रखूं और माइनस 2 रख के चेक करूं तो बच्चों आ जाओ चेक करते हैं। तो सर अगर आपने यहां 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये माइनस 9, तो 9 में से 4 जाएगा तो माइनस 5। देखो बच्चों जैसे ही मैंने x का मान 2 रखा तो यहां 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 9 में से 4 गया माइनस 5 हो गया, तो अर्थात ये भी इसका शून्यक नहीं है। आगे देखें बच्चों, तो माइनस 2 रखिए सर, अगर आपने प्लस 2 रखा तो इस बार माइनस 2 रखिए। तो देखो बच्चों यहां अगर माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 9 हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 9, 9 में से 4 जाएगा तो फिर 5 आ गया। बच्चों 2 और माइनस 2 रखने पर फिर मेरा आंसर 0 नहीं आया, एक आया माइनस 5, ये माइनस 5, तो ये भी इसका शून्यक नहीं है, इसका मूल नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग एक्स की वैल्यू एक बार 3 और एक बार माइनस 3 रख के चेक करेंगे। आइए मैं यहां पर आपको चेक करके दिखाता हूं बच्चों कि क्या 3 और माइनस 3 रखने पर इसका शून्यक मिलता है कि नहीं मिलता। आ जाओ बच्चों, तो जैसे आपको तो मालूम है कि ये मेरा बहुपद है, अब मैं यहां पर 3 रखूंगा तो यहां एक्स यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 9, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, और 9 में से 9 गया कितना आ गया बच्चों 0। आपने देखा क्या आंसर आ गया 0, और जैसे ही उसको हल करने पर 0 आया बच्चों तैसे ही दिमाग की घंटी बजी कि अरे सर ने बताया है कि जब हल करने पर 0 आ जाए तो वो उसका शून्य कहलाता है, वो उसका मूल कहलाता है।
ये आपको मैंने बताया है कि जब भी यक्स का मान रखने पर हम इसको हल करेंगे तो ये इसका शून्य कहलाता है, ये इसका मूल कहलाता है जब जीरो आता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो आगे सर ठीक है, माइनस थ्री रख लीजिए, एक और माइनस थ्री रख लीजिए। देखो बच्चों, तो एक्स की जगह अगर माइनस थ्री रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा नाइन, माइनस का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन में से नाइन जाएगा तो कितना जीरो, फिर ये इसका शून्य है, अर्थात ये इस बहुपद का ये शून्य है, इस बहुपद का ये शून्य है बच्चों, ये शून्य है, ये इसका मूल है यक्स का। मतलब अगर मैं पूछूं कि इस बहुपद का शून्य कौन है, तो तीन माइनस तीन इस बहुपद का क्या है, शून्य है। तो द्विघात समीकरण के में शून्य निकालने का तरीका दिया गया है, हमें वो पढ़ना है। क्या अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर हम ऐसे शून्य निकालेंगे? नहीं बच्चों, ये तो केवल एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है शून्य को समझने का। द्विघात समीकरण में शून्य ज्ञात करने की या उसको उसका मान ज्ञात करने की विधियां दी गई हैं आपके किताब में, जिसको हम पढ़ाएंगे, आप उसकी चिंता ना करें, आप केवल शून्य को समझने का प्रयास करें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आपको शून्य समझ में आ गया होगा कि कोई भी समीकरण ले लिया जाए उसमें अगर यक्ष का मान रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, चाहे वन टू थ्री, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, हल करने पर अगर जीरो आया बच्चों तो वो उसका मूल होगा, वह मान उसका शून्यक होगा। अगर हल करने पर जीरो नहीं आया तो वो उसका शून्यक नहीं होगा, वो उसका मूल नहीं होगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक प्रश्न ये आता है, अगर मूल या शून्यक की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया मूल और शून्यक क्या होता है, तो मूल और शून्य क्या हर समीकरण का हम निकाल सकते हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो अब आपको मैं यहां बताऊं, इधर देखिए, मूल और शून्य तो आपको मैंने समझा दिया, मूल और शून्य मैंने आपको समझा दिया कि मूल और शून्य क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अब सॉरी, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि मूल और शून्य क्या होता है, तो मैंने आपको यह बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति एक अगला कॉन्सेप्ट है आपके द्विघात समीकरण का। एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं बच्चों, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जितना आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी पर पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है हम लोग को बच्चों। तो मूल या शून्य तो बता ही दिए, अब मूल और की प्रकृति क्या होती है सर, मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो मूलों की प्रकृति का मतलब होता है, जैसे बच्चों हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमारे पास एक यहां पर मैंने द्विघात समीकरण लिख दिया, मान लीजिए ये देखिए मैंने एक द्विघात समीकरण लिख दिया, बात समझिएगा, मैंने यहां पर एक द्विघात समीकरण लिख दिया। अब तो सर अब मूल या शून्यक होगा इसका, मतलब यक्ष का मान रखेंगे जीरो आएगा तो ये इसका मूल है या शून्यक है, नहीं तो नहीं है। अब बच्चों हमें ध्यान देना है कि क्या जो भी द्विघात समीकरण होता है उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते, क्या हम उसके मूल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मतलब ज्ञात कर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं हम मूलों की प्रकृति से। ये मूलों की प्रकृति हमें बताती है, नेचर ऑफ रूट्स, ये मूलों की जो प्रकृति हमें बताती है कि किसी भी समीकरण के मूल संभव हैं कि नहीं संभव हैं, मतलब हम उसे हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हल कर सकते हैं तो हम विभिन्न विधियों का प्रयास करके उसे निकालने की कोशिश करेंगे, अगर हल ही नहीं कर सकते, अगर उसका मूल ही नहीं है, उसका मूल ज्ञात किया ही नहीं जा सकता, तो हम किसी भी विधि का प्रयोग करके उसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें यह पता करने में बहुत आसानी हो जाती है जब हम मूलों की प्रकृति पढ़ लेते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के हल या मूल संभव है कि नहीं, इसी का पता मूलों की प्रकृति से चलता है, मूलों की प्रकृति से।
देखना बच्चों, अभी तो मैंने आपको मूल समझा दिया, मूल क्या होता है मैं दोबारा एकदम अच्छे से समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ही मैंने बता दिया मूल या शून्य क्या होता है। तो किसी भी समीकरण में मैंने आपको अभी बताया था मूल या शून्य क्या होता है, देख लो बच्चों, मूल या शून्य क्या होता है कि किसी भी समीकरण में यक्स का मान रखने पर अगर जीरो आ गया तो वो उसका मूल या शून्य कहलाएगा। लेकिन मूलों की प्रकृति क्या कहती है बच्चों, कि किसी भी समीकरण का मूल संभव है कि नहीं, इसका पता हमें मूलों की प्रकृति से चलता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है, दोनों का अंतर समझिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इस चीज को बार बार दोहरा के और आपको प्रभाव डाल के समझा रहा हूं कि मूल या शून्य क्या है बच्चों। तो किसी भी समीकरण में यक्स का मान रखने पर अगर वो शून्य के बराबर आ गया तो वो मूल या शून्यक होगा। लेकिन शून्य मूलों की प्रकृति क्या है बच्चों, कि किसी भी समीकरण के मूल संभव है या नहीं, इसका पता लगाने का जो तरीका है वो हम मूलों की प्रकृति में पढ़ते हैं। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, आइए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, अगर जैसे बच्चों ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, आपको पता है ना, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। तो जैसे बच्चों मैंने एक द्विघात समीकरण ले लिया, अब मैं पूछूं कि इसके मूल संभव हैं कि नहीं, इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं कि नहीं ज्ञात किए जा सकते, तो इस पर हम लोग अगर चर्चा करें कि इसका मूल संभव है कि नहीं, सर इसको हल कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज का पता हम मूलों की प्रकृति से पता करते हैं। किससे पता करते हैं? मूलों की प्रकृति से। जैसे बच्चों, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो क्या इसका मूल संभव है कि नहीं बच्चों, हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, मतलब यक्स का मान रखने पर क्या ये शून्य हो पाएगा, यक्स का कोई भी मान रखने पर क्या ये शून्य हो पाएगा, इसका पता हम कैसे करेंगे। तो इसका पता करने का तरीका जो मूलों की प्रकृति से, मूलों की प्रकृति से। आइए मैं आपको सीधा समझाने की प्रयास करता हूं, इधर को हटाते हैं बच्चों, आइए देखिए क्या होता है। तो मूलों की प्रकृति अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें बच्चों, तो आपको एक चीज पढ़नी पड़ती है जिसका नाम है विभेदक। विभेदक या एक इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट, विविक्तिकरण। विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, विभेदक या विविक्त कर, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। हमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है बच्चों, क्या होता है विभेदक या विविक्त कर। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये हमारी मदद करता है यह पता करने में कि किसी भी समीकरण के मूल संभव है या नहीं। आप इसे नोट करिएगा बच्चों, जो भी पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं इसको मूलों की प्रकृति हेडिंग डाल के विभेदक और विविक्त कर के नाम से जरूर नोट करिएगा, जिससे आपको ये समझने में काफी आसानी होगी। तो किसी भी समीकरण के मूल संभव है या नहीं संभव है, इसका पता लगाने में जो आपकी हेल्प करता है उसका नाम है विभेदक, या उसका दूसरा नाम है विविक्तकर। यह हमें पता कराता है कि कोई भी मूल, कोई भी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की बात हो रही है बच्चों, मैंने कहा ना चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, ध्यान रखिएगा कहीं और ये डिस्क्रिमिनेट मत लगाइएगा, किसी और जगह ये बात नहीं होगी, ये एक द्विघात समीकरण में ये बात हो रही है कि इसका मूल संभव है कि नहीं। ये कैसे पता करेगा, कैसे पता चलेगा, तो विभेदक और विविक्तकर से। क्या होता है विविक्तकर या विभेदक, इधर देखिए बच्चों,
तो इसका जो मान होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही है आपका विभेदक या विविक्तकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है आपका विभेदक या विविक्तकर। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये बी ए सी क्या है बच्चों? तो ये आपके मानक समीकरण में है, आपको पता है। ए क्या है? आप देख ही रहे हो, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है बच्चों? ये एक्स का गुणांक है। और ये जो सी है बच्चों, ये आपका एक नंबर होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक अचर मान होता है, अचर। दोबारा सुनिएगा बच्चों, एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि क्या हमने बताया कि जो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए जो विभेदक या विविक्तकर होता है उसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी क्या कहाँ मिलेगा बच्चों? बी कहाँ मिलेगा? तो आपके मानक समीकरण में जो यक्स का गुणांक होगा बच्चों, जो ये यक्स का गुणांक होगा ये बी को प्रदर्शित करता है, माइनस 4। ये ए क्या होगा बच्चों? तो जो समीकरण दिया जाएगा उसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक ये ए प्रदर्शित करता है। और सी क्या प्रदर्शित करता है? अचर मान, जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है उसको सी प्रदर्शित करता है। तो यही आपका विभेदक है जिससे हम पता करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी। आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं मूलों की प्रकृति, देखिए क्या है। तो मूलों की प्रकृति में ना बच्चों, आपको तीन रूल बस याद रखने हैं, तीन रूल जो आपकी मदद करेंगे मूलों की प्रकृति को पहचानने में। तो क्या होगा? पहले आप तो विभेदक को पकड़ेंगे, विभेदक या विविक्तकर को लेंगे, या विविक्तकर को लेंगे। और ये आपको प्रदर्शित करेगा कि क्या होगा मूलों की प्रकृति, मूलों का नेचर क्या होगा, हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आइए देखते हैं बच्चों, काफी मजेदार टॉपिक है। तो आप पहले अपने विविक्तकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों विभेदक या विविक्तकर का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा मतलब आपने इसको हल किया, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, पहले रूल समझ लीजिए। अगर आपने इसको हल किया और इसका मान 0 से बड़ा आ गया, तो बच्चों उस द्विघात समीकरण के मूल, जो भी द्विघात समीकरण दिया जाएगा उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे बच्चों वो संभव होंगे यानी वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे बच्चों, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। जब भी आप विविक्तर को हल करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जैसे ही 0 से बड़ा होगा तो बच्चों मूल वास्तविक होंगे, और दो मूल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे बच्चों, इस चीज का ख्याल रखिएगा, अलग अलग मान आएगा। आइए देखिएगा, जब भी हम किसी भी द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति पता करेंगे तो विभेदक यानी विविक्तिकर, बने बता दिया कि ये होता है विभेदक, इसका नाम है विविक्तिकर नाम है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम हल करेंगे बच्चों, और अगर इसका मान 0 से बड़ा आया, अगर इसका मान 0 से बड़ा आया तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, वास्तविक का मतलब संभव है, रियल है, हल किया जा सकता है, तो उसको हम हल कर सकते हैं और दोनों अलग अलग मान देंगे इस स्थिति में। नया टर्म देखिए, सेकेंड टर्म, कि अगर बच्चों आपके विभेदक का मान 0 के बराबर आ जाए, विभेदक का मान किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर, तो इस स्थिति में भी उनका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। बट याद रखना बच्चों, इस बार समान होगा, दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, दो मूल होंगे, आपने बहुपद में पढ़ा होगा जितनी घात होती है उतने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण की घात दो होती है तो दो मूल होंगे। तो इस स्थिति में दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे।
और जब आपके विभेदक का मान जीरो के बराबर हो जाएगा, जब आपके विभेदक का मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो उनके दोनों मूल वास्तविक होंगे, लेकिन बच्चों दोनों मूल समान भी होंगे, दोनों का मूल समान होगा, एक बराबर होगा। ये किस में? ये सेकंड वाले कंडीशन में होता है। और थर्ड वाले कंडीशन में क्या होगा बच्चों, कि अगर आपके विभेदक का मान, अगर आपके विभेदक का मान जीरो से छोटा हो जाए, यानी नकारात्मक हो जाए, विभेदक को मैंने हल किया और विभेदक का मान नकारात्मक हो जाए, क्या हो जाए? नकारात्मक हो जाए, तो याद रखना बच्चों इस स्थिति में मूल आपके काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे, काल्पनिक का मतलब कि उसके मूल को ज्ञात किया नहीं जा सकता। कितना अच्छा है, कितना मजेदार है बच्चों। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया, इन तीनों को याद कर लिया, तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को आपने काफी आसानी से और अच्छे से समझ लिया। फिर आप जब इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे, आपको कहीं भी दौड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इसको याद किए रहेंगे तो मूलों की प्रकृति से तुरंत पता लगा लेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। अगर ज्ञात कर सकते हैं तो हम आपको विधि पढ़ाएंगे, विधि का प्रयोग करेंगे। बात आ रही है समझ में बच्चों? काफी मजेदार है, देख लीजिए। अभी मैं इसका एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, पहले एक बार देख लीजिए क्या कि विभेदक क्या होता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तीन कंडीशन है बच्चों। अगर इसका मान जीरो से बड़ा हुआ तो वास्तविक होगा, अलग अलग मान निकलेंगे मूल। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो है तो वास्तविक है और समान है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से छोटा है तो काल्पनिक है। आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से आओ बच्चों, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो और आपको अच्छा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ये एक द्विघात समीकरण मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अगर आपको ये पता करना हो कि इसके मूल संभव है कि नहीं, अगर मुझे ये बताना हो कि इसके मूल संभव है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग विभेदक से कंपेयर करेंगे, विविक्तकर से इसका मान निकालेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? पहले हम मानक समीकरण लेंगे। बच्चों हम ना पहले मानक समीकरण से तुलना करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करके गुणांक निकालेंगे बच्चों। मानक समीकरण से तुलना करने पर देखो इस समीकरण का ध्यान दीजिएगा, क्या अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन बता रहा हूं कि इस समीकरण का तुम मानक समीकरण से तुलना कर दो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, मानक समीकरण से तुलना कर दो। देखिएगा क्या है भाई, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो यहां पर वन है, वन लिखते नहीं है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है, तो ए का मान क्या आ जाएगा? वन। ये देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने ये समझाया था, जिस बच्चों ने देखा होगा, जिन बच्चों ने समझा होगा उन्हें काफी आसानी से समझ में आ रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक a है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a बराबर 1 है। अगर हम लोग b का मान निकाले बच्चों, तो x का गुणांक यहां b है, यहां x का गुणांक माइनस 7 है। देखिए ये पिछले वीडियो में मैंने जब मानक समीकरण पढ़ाया था तभी मैंने बताया था, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और सी का अगर हम बात करें तो एक अचर मान कांस्टेंट वैल्यू है जो क्या है 12। देखो आ गया, आया बच्चों, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब हम लोग आ जाएंगे इसकी प्रकृति पता करने के लिए, विभेदक। तो विभेदक क्या है बच्चों? तो आपको पता है कि सर आज ही आपने बताया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही तो है विभेदक, विविक्तकर तो यही है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें, आ जाइए, काफी मजेदार टॉपिक है, देखते हैं फटाक से, आ जाइए। तो b का मान यहां से रखेंगे बच्चों माइनस सेवन का होल स्क्वायर, माइनस सेवन का होल स्क्वायर। फॉर माइनस तो माइनस फोर, यहां रखेंगे फोर, a की वैल्यू देखो वन है,
तो मल्टीप्लाई वन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और सी यानी गुड़े 12, गुड़े का रिलेशन है, समझ रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो एकदम कॉन्सेप्ट, माइनस का स्क्वायर प्लस में जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस में जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुणा करना, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो और 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49 माइनस, अब इधर देखिए, अब इनका गुणा करिए, 4 एकम 4, अब 12 का 4 में गुणा कर दीजिए, 48, कोई दिक्कत हुई? 7 का स्क्वायर 49, 12 चौक 48, और 49 में से 48 गया तो क्या आया बच्चों, 1। हल करने पर क्या आया, 1। यानी आपके विविक्तर यानी विभेदक का मान क्या आ गया, देखा जाए तो हमारे विविक्तर और विभेदक का मान 1 आया है, 1 आया है बच्चों, क्या आया है, 1। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 आया है। अब आ जाओ नियम पे, आ जाओ, 1 आया है यानी 0 से बड़ा है बच्चों, 1 आने का मतलब, विभेदक का मान 1 आने का मतलब ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, आइए देखिए। और जब आपके विभेदक का मान 0 से बड़ा आता है तो वो वास्तविक है, उसको उसका मूल अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, अलग अलग मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसका मतलब है कि ये जो समीकरण आपके सामने प्रस्तुत है, हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं और दोनों मूल अलग अलग आएंगे। ये हमको कौन बता दिया, विभेदक ने बता दिया, बता दिया हमको, पता चल गया कि इसको हल किया जा सकता है, और इसको हल जब किया जा सकता है तो हम 2-3 विधि पढ़ेंगे जिससे हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते। तो ये चर्चा हुई मूलों की प्रकृति का, मूलों की प्रकृति का, आइए देखिए। तो ये चर्चा हो गई मूलों की प्रकृति का, देखिए बच्चों आज हमने आपको मूलों की प्रकृति बता दी। अब आपको पता चल गया कि मूलों की प्रकृति से हम द्विघात समीकरण को पता कर सकते हैं कि उसके मूल संभव हैं, कि उसको हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हल कर सकते हैं तो आपको हल करने की विधि बताएंगे आप, और जब नहीं हल कर सकते तो हम वहां सीधा लिख सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो हल करने का प्रश्न ही नहीं है, और जब संभव है तो हल करने की विधि भी है हमारे पास बच्चों, हल करने की विधि भी है हमारे पास, हल करने की विधि भी है हमारे पास। और हम आज 3 विधि से आपको परिचय कराएंगे, 3 विधि से केवल परिचय कराएंगे बच्चों, 3 विधि से परिचय कराएंगे जो काफी इंटरेस्टेड है। मुझे आशा है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, देखिए पढ़ते समय एकदम एक्साइटेड, एकदम एनर्जी के साथ पढ़िए, एक एक चीज को समझिए और उसके बाद उसको हम अप्लाई करेंगे। तो अब आपने मूलों की प्रकृति समझ ली कि मूलों की प्रकृति से हमें क्या पता चलता है। अगर मूलों की प्रकृति से हमें यह पता चल गया कि मूल अगर संभव है तो मूल संभव है तो हम हल करने की विधि पाएंगे, हल करने की विधि। आ जाइए मैं आपको हल करने की विधि भी बता देता हूं, हल करने की विधि, आ जाइए बच्चों। तो द्विघात समीकरण के हल करने की 3 विधि है, आज हम लोग केवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, कल से एक्सरसाइज, फिर देखिए कितना मजा आता है आपको। अगर आपने ये दोनों वीडियो देखा होगा तो आपको एक्सरसाइज लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज में फिर नहीं समझाएंगे, बिल्कुल ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा सवाल बताते समय भी बताएंगे, लेकिन एक बार अगर आप नियम कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सवाल लगाने से पहले पढ़ लेंगे, सवाल लगाने से, सवाल लगाते समय मत पढ़िए, सवाल लगाने से पहले अगर पढ़ लीजिए तो सवाल लगाने का मजा दुगना और 3 गुना हो जाता है। लेकिन अगर आप सवाल लगाते समय कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ी बोरियत फील होती है कि अरे सर ये मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट और नियम पहले पढ़ लेंगे तब सवाल लगाने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि सब कुछ तो पता है मुझे, क्यों नहीं सवाल लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। आ जाओ तो हल करने की विधि, तो बच्चों आपको द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि आपके सिलेबस में ज्यादा ध्यान देनी है, एकदम मजेदार। कौन सी? पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि,
हल करने की विधि, आज हम लोग हल करने की विधि का थोड़ा थोड़ा परिचय लेंगे बच्चों। हल करने की विधि है गुणन खंड विधि, गुणन खंड विधि, जिसको बच्चों ना हम लोग मध्य पद विभक्त विधि भी कहते हैं। मध्य पद विभक्त, मध्य पद विभक्त विधि भी कहते हैं। ये पहली विधि है जिसको हल करके हम द्विघात समीकरण के मूल या उसको हल करके उसका मान ज्ञात करते हैं। क्लियर है बच्चों? दूसरी विधि हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि ये दूसरी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना होगा। और तीसरा जो विधि हम पढ़ेंगे बच्चों उसका नाम है द्विघात सूत्र विधि। द्विघात सूत्र या फॉर्मूला मेथड, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये तीन विधि आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है बच्चों, तीन विधि, जिस तीन विधि के माध्यम से हम द्विघात समीकरण के मूल को हल करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल को हल करके उसका मान ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों, मध्य पद विभक्त विधि आपने जरूर कहीं ना कहीं पिछले क्लास में जरूर पढ़ा होगा, कक्षा 9 में भी है ये बच्चों, ये है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, कक्षा 9 में भी है ये। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि ये आपको पूरी तरह से नया है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, और द्विघात सूत्र विधि भी एकदम नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन मध्य पद विभक्त विधि आपने पिछले क्लास में, अगर आपने थोड़ा भी सावधानी रखा होगा, अगर आपने मन से पढ़ा होगा, तो यह आपको पिछले क्लास में भी मिला है, 9 में भी मिला है, मुझे तो उम्मीद है, आशा है कि 8 में भी हो सकता है आपको जरूर मिला हो। तो आते हैं बच्चों, करेंगे क्या, एक एक विधि पर हम लोग आपको आज का डिस्कशन करते हैं, एक एक विधि को मैं आपको समझा देता हूं कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक विधि का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आ जाइए, सबसे पहली विधि का नाम डालते हैं बच्चों, सबसे पहली विधि गुणन खंड विधि। गुणन खंड विधि, या इसको हम लोग मध्य पद विभक्त विधि के नाम से भी जानते हैं, ये भी लिख देते हैं, मध्य पद विभक्त विधि। मध्य पद विभक्त विधि, दोनों के नाम से आप जानिएगा, मध्य पद विभक्त विधि ज्यादा प्रयोग में किया जाता है। एक एग्जांपल से समझाते हैं बच्चों, आ जाइए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 बराबर 0। देखो छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। अब हम सीधा गुणनखंड विधि लगाने जा रहे हैं बच्चों। अब तो आपको पता है कि हम पता कर सकते हैं मूलों की प्रकृति से कि मूल संभव है कि नहीं संभव है, वो हम बाद में देख लेंगे बच्चों, लेकिन अभी हम लोग सीधा पता करते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से। हम लोग कौन सी प्रक्रिया लगाने जा रहे हैं, गुणनखंड विधि। तो आइए देखें कैसे करते हैं, आपने पढ़ा होगा। पहली बात देखो बच्चों, जब भी गुणनखंड विधि या मध्यपद विभक्त विधि लगाइएगा तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा और ये जो अचर होगा इसका आप गुणा करिएगा, इसका और इसका गुणा करते हैं बच्चों, देख लीजिएगा, इस पद का और इसके गुणांक से गुणा करिएगा, गुणा, तो 4 × 4, इसको अपने मन में रख लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, ये आपको रखना होगा अपने मन में, आपको अपने इसके मन में रख के इस हिसाब से सवाल को करना है। एक मिनट बच्चों, क्षमा चाहेंगे परेशानी के लिए, आ जाइए। तो 4 × 4, अब करना क्या होगा, देखिए आप पहले अचर को और इसके गुणांक का गुणा कर लेंगे, कर लिया,
और मध्य पद में जो संख्या है इसको भी लिख लीजिए। लिख लिया मध्य पद में जो संख्या है इसको भी लिख लिया। अब अपने दिमाग को थोड़ा जोर डालेंगे और बच्चों ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे कि जिसका गुणा करने पर भी चार आ जाए और जोड़ने और घटाने पर भी चार आ जाए। नियम ध्यान दीजिएगा, सवाल में बताने से अच्छा है मैं पहले बता रहा हूं गुणनखंड विधि, अभी दोबारा भी मिलेगा। इनका और इसका गुणा करिए, चार एक कम चार, और यहां पर मन में कहीं लिख लीजिएगा। और बीच वाले में संख्या क्या है बच्चों, मध्य पद क्या है इसका, चार, ये इसका मध्य पद है। तो ऐसी दो संख्या का चयन करिए जिसका गुणा करने पर भी चार और जोड़ने या घटाने पर भी चार। तो आपने क्या ढूंढा, दो और दो, देखो दो दूनी चार, और दो में अगर हम जोड़ेंगे तो भी कितना आया, चार। तो ऐसी हमको ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी। इसका भी तरीका है, कैसे ढूंढा जाएगा हम उसको बताएंगे। आइए पहले एकदम इजी सिंपल है। तो अब क्या होगा बच्चों, अब हम मध्य पद अभिव्यक्त विधि में इस मध्य पद को इन्हीं दो भागों में तोड़ देंगे। देखिए 2x प्लस 2x, देखो 2x और 2x, ये 4x है, मान नहीं बदलना चाहिए, कभी भी अपने के प्रश्न का वास्तविक मान नहीं बदलना चाहिए। तो 4x को मैंने तोड़ा 2x और 2x में, बाकी प्लस, ये प्लस है तो प्लस, ये कॉमन हो जाए, ये आ जाएगा x स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, और ये लास्ट वाला भी 4 इज इक्वल टू जीरो। यही है मध्य पद। देखो मैंने मध्य पद को विभक्त कर दिया दो भागों में, मध्य पद को दो भागों में विभक्त कर दिया। विभक्त करने की विधि भी बता दी कि पहले इसका और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करिएगा, फिर मध्य पद को लिखिएगा अपने मन में, ऐसी दो संख्या ढूंढिएगा कि जिनका गुणा करने पर भी ये संख्या आ जाए और जोड़ने घटाने पर ये संख्या आ जाए, और बाद में उसी के दोनों फॉर्म में तोड़ दीजिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आपका आसान हो गया एकदम काम, अब कोई कुछ नहीं। इसको चार पार्ट है, चार भाग है, चार पद है, तो दो दो पद में अलग अलग करिए। अब यहां उभयनिष्ठ यानी कॉमन लीजिए, कॉमन, तो यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो यक्स कॉमन है तो हो जाएगा यक्स प्लस टू। यहां भी अगर आप देखेंगे बच्चों तो टू कॉमन है, कॉमन हो जाएगा तो x प्लस टू। कॉमन लेना आता होगा, नहीं आता तो ध्यान दीजिएगा कि जो कॉमन का मतलब जो दोनों में, दोनों पद में x है, x है तो x बाहर हो गया, जब बाहर होता है तो वो पद कम हो जाता है, x स्क्वायर था तो x हो गया, यहां से x गायब हो गया तो 2 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन था, 2 था, 2 यहां पे था, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा था, तो 2 से ये 2 बाहर आ गया बच्चों, तो यहां x आ गया और ये 2 से मैंने इसको, ये 4 था, तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करने का ही मतलब होता है, तो 4 में 2 से डिवाइड किया, जो कॉमन लिया तो 2 बच गया। तो कॉमन लेना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो और इसमें डिटेल में आपको और समझाएंगे, अभी आप गुणनखंड विधि पर ध्यान दें। फिर हम लोग इसको पद में बदलेंगे बच्चों, दो पद देख रहे हैं। अब देखो बच्चों यहां पर बहुपद कॉमन है, यानी x प्लस टू, और ये x प्लस टू जब कॉमन होगा तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, तो x लिख देना, और यहां x प्लस टू कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, प्लस टू बचेगा, बराबर कितना, जीरो। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। देखो इस पूरे द्विघात समीकरण का ये है गुणनखंड, गुणनखंड। अब हम इसका मान निकालेंगे, देखिए कितना मजेदार है बच्चों, देखिएगा इसको थोड़ा सा हटाते हैं, अब इस चीज को यहां पर करते हैं। आइए अब इसका क्या अर्थ है बच्चों, जरा देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ, ओ लगता है बच्चों, एक सेकंड बच्चों कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक मिनट बच्चों, ये पहले इधर, एक सेकंड बच्चों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, हाँ सॉरी सॉरी आ गया, थोड़ा सा मिसबिहेव हो गया था, कोई बात नहीं आ गया, क्लियर है ओके। तो अब इधर देखते हैं बच्चों, अब क्या करना है, x प्लस टू और x प्लस टू का इक्वल टू जीरो आ गया, ये इसका गुणनखंड है, लेकिन हमको तो हल करना है, मूल ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब यहां पर समझिएगा, अक्सर बच्चे यहां पर नहीं समझ पाते, देखिए इसका और इसका, ये पद और ये पद जब हम गुणा करते हैं तो जीरो आता है, ये यहां पर ये कह रहा है,
ये सेंटेंस या ये लाइन क्या कह रही है कि जब इस पद का इस पद में गुणा कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। इसका अर्थ ये है या तो ये पद जीरो है या तो ये पद जीरो है, तभी शून्य आएगा। क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणा करने पर जीरो तभी आएगा या तो दोनों शून्य हो या तो दोनों में से कोई एक शून्य हो, तभी शून्य संभव है। तो इधर देख लो बच्चों कि ये दोनों का गुणा करने पर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये शून्य है या तो ये शून्य है या तो दोनों शून्य है। तो हम मान लेते हैं कि ये शून्य है, तो x प्लस टू बराबर जीरो। अगर ये शून्य है तो टू का मान टू इधर लाओगे बच्चों, तो प्लस टू है। और पक्षांतर करते समय आपको पता है कि जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये क्या हो जाएगा माइनस टू, ये हो गया। अब हम मान लेते हैं कि हो सकता है सर ये शून्य हो, शून्य के बराबर हो, तभी ना गुणा करने पर शून्य आएगा। जब भी दो संख्याओं को गुणा करने पर शून्य आता है तो पक्का है कि कोई ना कोई शून्य होगा, या तो दोनों शून्य हो। तो मैंने मान लिया या तो ये शून्य है, तो हल कर दिया। अब इसको भी शून्य मान लो, मान लेते हैं कि ये भी शून्य के बराबर हो, तो पंचांतर करोगे तो बच्चों एक्स बराबर माइनस टू। तो देखो तुम्हारे इस द्विघात समीकरण के दो शून्य पता दो शून्य मिल गए, माइनस टू माइनस टू। तो इस विधि को जो हम नाम देते हैं वो है मध्य पद विभक्त विधि। कितना अच्छा है, कितना मजेदार है। अभी आपको मैंने समझाया, परेशान मत होइएगा, सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए। अभी ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार फटाक से रिविजन कराता हूं बच्चों। देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा है। मैंने आज केवल आपको मूल या शून्यक, मूलों की प्रकृति और हल करने की पहली विधि से परिचय करा दिया। दो और तीन विधि और बाकी है, दूसरी और तीसरी, जिसको हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, या तो मैं सीधा एक्सरसाइज में इसको समझाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में पहले इन दोनों विधियों से थोड़ा थोड़ा आपको परिचय करा के तब एक्सरसाइज शुरू करूंगा। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले आपको बताया शून्य क्या होता है, फटाक से रिवीजन करा दे रहा हूं, देख लीजिएगा। शून्य क्या होता है ये मैंने बताया, आपको पता है कि x का मान रखने पर जीरो, ये शून्य बताता है। मूल या शून्य ज्ञात करने का तरीका मैंने एक सिंपल तरीका बताया कि आप वन रखिए, टू रखिए, थ्री रखिए, और जब हल करने पर जीरो आएगा तो वो उसका शून्य है, नहीं तो शून्य नहीं है, ये आपको मैंने बताया। मूलों की प्रकृति क्या होता है कि शून्य संभव है कि नहीं, ये पता विभेदक और विव्यक्तिकर से चलता है, विभेदक और विव्यक्तिकर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। तीनों का रूल बताया बच्चों कि पहला विभेदक अगर जीरो से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे, संभव होंगे, अगर मूल जीरो के बराबर होंगे तो वास्तविक और समान होंगे, और जीरो से छोटा होगा तो वह काल्पनिक होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से एग्जाम्पल देकर मैंने बताया कि मूल कैसे निकाला जाता है, यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में आया। और लास्ट में हल करने की विधि, तीन विधि आपको पढ़नी है, गुणनखंड यानी मध्य पद विभक्त विधि, मध्य पद विभक्त विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि, जिसमें से एक मैंने गुणनखंड विधि और मध्य पद विभक्त विधि को परिचय करा दिया, जिससे आपको पहले से पता था, जो आप जानते थे। हम लोग अब अगली क्लास में बच्चों इन दोनों विधियों को पहले समझाएंगे विस्तार से। दोनों विधियां अगर आप पढ़ लेते हो तो आप पूरी तरह से द्विघात समीकरण को लगाने के लिए तैयार। सीधे फिर हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे और एक एक सवाल का आप देखोगे कितने अच्छे से आप करोगे कि आप खुद कहोगे कि अरे सर कितना मजा आया, पहले आपने नियम बता दिया, मुझे सारे सवाल खुद समझ में आ रहे हैं। तो पहले इन दोनों वीडियो को काफी अच्छे से समझिएगा बच्चों, इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर अगर हम अगले वीडियो में मिलते हैं और जब हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे तो मैं नहीं बोलूंगा बच्चों, तो आप खुद बोलोगे कि अरे सर ये सारे सवाल हम लगा रहे हैं, हमें आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको नियम ही बता दिया, कॉन्सेप्ट ही बता दिया। तो सवाल तो केवल अभ्यास है बच्चों, सवाल तो केवल अभ्यास है, जब मैंने सारी चीजें आपको बता दी तो आप कर सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आज आपको इस क्लास में बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ाने में बच्चों, बहुत एनर्जी के साथ हम लोगों ने आज पढ़ा, मुझे काफी अच्छा लगा आज आपको पढ़ाने में और ये नियम और कॉन्सेप्ट बताने में। मुझे आशा है कि आपको भी काफी अच्छा लगा होगा और आपने भी आज काफी कुछ इस क्लास से सीखा होगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही,
मैं पूरी उम्मीद और पूरे जोश से कहता हूं कि हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चों। आशा करते हैं कि आपको भी काफी मजा आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे शुभम क्लासेस को जितना आप प्यार दे रहे हैं उतना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।